कोशिश यही रहेगी कि आपकी इवनिंग अच्छी निकले।
तो ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए इन लोगों को, हमारी कंपनी वालों को कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं मिल रहा था शाम के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप आ जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अच्छा ये जो तालियां बजा रहे हैं ना, अगर आप सारे लोग अच्छे से तालियां बजाते रहेंगे तो आज जब मैं यहाँ पे दिल्ली और पुणे में लॉन्च किया उसके बाद अहमदाबाद क्यों, आप यहाँ पहले क्यों आए, आप मुंबई क्यों नहीं गए, आप बैंगलोर क्यों नहीं गए, बाकी जगह क्यों नहीं गए। तो अभी जो बात चल रही थी कि दिस इज एन इलेक्ट्रिक बाइक, और सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान, सब लोग जो एक चीज पूछते हैं यहाँ पे कोई भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट खरीदने से पहले, सबसे पहले पूछते हैं भाई कितना देती है, चाहे कितनी बड़ी बाइक हो चाहे कितनी बड़ी। तो मैं जब काफी टाइम पहले की बात है, मैंने एक बड़ी गाड़ी खरीदी, एक बेंटली सुपर स्पोर्ट्स को मैं घर लेके गया, तो मेरे पिताजी का पहला सवाल है बेटा कितना देती है। मैंने कहा पिताजी ये तो पूछा नहीं इस गाड़ी के लिए, बट मेंटेलिटी सबकी वही है। तो हम गुजरात क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग जो है वैल्यू करते हो पैसे की, इट इज ऑल अबाउट कि आप वैल्यू करते हो पैसे की, और इसीलिए इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, किस हिसाब से सेविंग की बात करेंगे, दूसरी एनवायरमेंट की बात करेंगे, पोल्यूशन की बात करेंगे। बट दोबारा मैं वापस आता हूँ, ये अहमदाबाद ही क्यों, मुंबई क्यों नहीं, बैंगलोर क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो वैल्यू है वो बहुत स्ट्रांग है पैसों के लेके, समझदारी जो है वो बहुत जबरदस्त है, और वो तो आप पूरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले, बाकी भाई थे लाला जी और एक हमारे देसी भाई थे, तो वो देसी भाई के पास एक एक घोड़ा खड़ा होता, एक घोड़ा था उनके पास, वो लाला जी के पास गए, उन्होंने बोला लाला जी मेरा घोड़ा ले लीजिए, लाला जी के पास वापस गया, बोला लाला जी कुछ दिनों से सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है, कितने पैसे लगाए थे आपने, उन्होंने कहा 500 रुपए, उन्होंने कहा ठीक है लाला जी 500 रुपए दो और आप शाम को घर आ जाना, घोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। लाला जी ने कहा ठीक है, इसने अपने 500 रुपए ले और ये गांव से भाग गया। लाला जी गए घोड़ा ले लिया, ये आदमी एक महीने के बाद वापस आया, वापस आने के बाद लाला जी से मिला, बोला लाला जी उसको लगा लाला डांटेगा, लाला जी ने गले लगा लिया। अब इसके मन में ये हो रहा है कि बात ही नहीं कर रहे हैं, लाला जी गले लगा जा रहे हैं, इसने बोला लाला जी वो घोड़ा, बोला बेटा बहुत बढ़िया, बोला जी बट वो घोड़ा तो मरा हुआ था, आपने क्या किया, बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अखबार में कितनी इश्तहार दिया, बोले क्या, बोले इश्तहार में लिखा था कि एक एक रुपए की लॉटरी खरीदो, जो लॉटरी जीतेगा उसे घोड़ा मिलेगा, तो बोला फिर, बोला फिर 10,000 लोगों ने लॉटरी खरीदी, बोला फिर एक आदमी की मैंने लॉटरी निकाल दी, बोला फिर एक आदमी मेरे पास आया कि जी आपका लाला जी तो घोड़ा मरा हुआ है, मैंने कहा ले ले 1 रुपया वापस। तो मैं समझदारी की बात कर रहा था यहाँ पे, उससे शुरुआत करता हूँ कि प्रोडक्ट जो है उसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत है, बीच बीच में थोड़े जोक सुनाता रहूंगा, थोड़ा बहुत आपको एंटरटेन करता रहूंगा, ताकि ऐसा ना लगे कि आया ये प्रेजेंटेशन देखिए और ये क्या हो रहा है। सो आई विल ट्राई एंड एंटरटेन यू गाइस ऑल्सो। केरला में मौसम काफी अच्छा है और वहां पे इतना पोल्यूशन नहीं है, बट मेरे पास तो ऑप्शन थी कि एक घर है, बट जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो क्या करे। दिस इज नॉट द एनवायरनमेंट वेयर वी वांट अवर चिल्ड्रन टू ग्रो, इतना पोल्यूशन हो जाए दैट इट बिकम्स टॉक्सिक। सो अभी आपके यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेडियम जो है क्रिकेट का स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो उद्घाटन हुआ है, यू डोंट वांट टू सी दिस सिचुएशन देयर इन मोटेरा, राइट। सो
since Revolt is electric, it's you know it it generates so much of carbon credit, it saves so much of CO2. Pre-plant कर दिया. आप ऐसे 60 पौधे लगाने जाओगे नहीं लग टू दैट. सो आई थिंक हमारी जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है रिवोल्ट वो भी कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, हम लोग का एक जो आर्थिक जो जिम्मेदारी है वो एक अपनी जगह है, बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ सिटी, उसको भी जस्टिफाई करती है. ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर. अब बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कब आएगा, कोई बोलता है 2030, कोई बोलता है 2025. मैं आपको बोलता हूं कि अगले तीन साल में कंप्लीट इलेक्ट्रिक हो जाएगा. उसका एक बहुत बड़ा रीजन है. उसका रीजन ये है कि जब हमने सोचा कि हम एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में है कि अभी तक किसी ने क्यों नहीं बनाया. अभी तक इलेक्ट्रिक सबको पता है कि बेनिफिट क्या है, राइट? और सब लोग कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है, बट अभी तक लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्यों नहीं प्रोडक्ट अभी ले रहे हैं. उसका सबसे बड़ा रीजन है ये तीन, डिजाइन एंड परफॉर्मेंस. इसका मतलब ये अभी तक किसी ने ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं बनाया जिसका राइट डिजाइन हो और राइट परफॉर्मेंस हो. देखिए मार्केट चेंज कब होती है, मार्केट चेंज तब होती है जब मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट दूं और मैं बोलूं कि ये आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेटर है. मैं आपको उससे इंफीरियर प्रोडक्ट दूंगा, मार्केट कभी चेंज नहीं होगी. आज आप बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्टार्ट हुए, उसके बाद डेस्कटॉप पे आए, आज सब लैपटॉप पे आ गए. आज मैं आपको इतना बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर दूंगा, आप बोलोगे हम ये यूज नहीं कर सकते. यू विल ऑलवेज अडॉप्ट अ बेटर थिंग. सो किसी ने राइट डिजाइन का प्रोडक्ट नहीं बनाया. सब लोग कोई वेरी अंडर पावर्ड स्कूटी बना रहे थे, 250 वॉट मोटर, 30-40 की स्पीड, लेड एसिड की बैटरी, और वही चले जा रहा था. अब सब लोग, जब आप सब लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप पल्सर चलाते हैं, अपाचे चलाते हैं, हीरो की बाइक चलाते हैं जिसके अंदर पावर होती है, परफॉर्मेंस होती है, लुक्स अच्छी होती है, आप इंफीरियर प्रोडक्ट क्यों? से पहली चीज, डिजाइन और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, एस्पिरेशनल होनी चाहिए. देखिए हम हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जैसे मैंने बताया मेरे फादर स्कूल में प्रिंसिपल थे. जो बच्चा बड़ा होता है तो वो सोचता है बोलो पापा कॉलेज जाऊंगा तो बाइक पे जाऊंगा. अच्छा पापा भी आगे बहुत समझदार है, पापा बोलते अच्छा बेटा नंबर अच्छे लेकर आना तो बाइक दिलाएंगे. क्योंकि आप वो एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट लेना चाहते हो. आपको मैं एक स्कूटी दे दूं 200-250 वाट की मोटर, 30-40 की स्पीड, आप बोलोगे नहीं यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, आई वांट सम. So guys, this is RB400, comes in two colors, one is red and one is jet black. Now you look at the design of gives a very sporty feeling. So abhi tak kisi ne bike banaya hi nahi tha, kisi ne right product hi nahi banaya tha. Kyunki aapko agar right product milega uske baad aap aage chaloge, uske baad aap bologe chalo yaar aapne product to acha banaya hai. Chubo, can you go back on that slide? अच्छा मिल गया, सुंदर डिजाइन मिल गया, आपने कहा एस्पिरेशनल है, ये मैं चलाऊंगा तो मैं यू नो आई विल लुक लाइक अ स्टड, ग्रेट. बट उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ठीक है बाइक इलेक्ट्रिक है, चार्जिंग नेटवर्क का क्या होगा, कैसे चार्ज करोगे, कहाँ चार्ज करोगे. इतनी जगह क्वेश्चन आता है कि चार्जिंग नेटवर्क कब होगा, कब बनेगा इस देश में. जब हम भी डिजाइन कर रहे थे, हम भी सरकार के पास गए, हमने भी पूछा क्या कर रहे हैं चार्जिंग नेटवर्क के बारे में. ये चार्जिंग नेटवर्क की जितनी बात है, ये फोर व्हीलर के लिए ज्यादा मायने रखता है.
कोर्स एक तो इसमें ऑनबोर्ड चार्जिंग है, सिंपली आप इस बाइक के अंदर आप चार्जर लगा सकते हैं, जो इसके साथ चार्जर मिलेगा, नॉर्मल 15 एम्पियर सॉकेट, जो घर में 15 एम्पियर का नॉर्मल सॉकेट होता है वो चार्जर में आप इसको लगा दीजिए और मोबाइल फोन की तरह आप इसको चार्ज कर सकते हैं। नंबर वन सिंपल। नंबर टू, लोग बोलते हैं जी मेरे यहाँ तो मैं फिफ्थ फ्लोर पे रहता हूँ, मैं सेवन्थ फ्लोर पे रहता हूँ, मैं कैसे चार्ज करूँगा। और दूसरा, 80% जो लोग हैं वो बाइक को घर में पार्क नहीं करते हैं, बाहर रोड पे पार्क होते हैं, गली में पार्क होती है, जगह नहीं होती है उनके पास पार्क करने के अंदर, वो कहाँ चार्ज करेंगे। उसके लिए बैटरी, हमने बोला कि हम इसकी बैटरी पोर्टेबल बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप इसमें से बैटरी निकालो, फिफ्थ फ्लोर पे रहते हो फिफ्थ फ्लोर पे ले जाओ, रात को चार्ज करो मोबाइल फोन की तरह, सुबह आए बैटरी डाली और चले। तो आप अगर बाहर भी रखते हैं, कहीं भी इसको बाइक को रखते हैं, मैं लगाई और चार्ज किया और आप ऑफिस जाते हैं, आप इसको बैटरी को निकाल लीजिए, आपने डेस्क पे रखी है, दिन भर में चार्ज कीजिए, जब वापस घर जा रहे हैं बैटरी डाली और स्टार्ट। ठीक है जी। तो लोग बोलते हैं कि जी एक चार्ज में चलेगी कितना, तो मैं एवरेज में बाद में आऊंगा इसके कि एक चार्ज में कितना चलेगी और कितनी देर में चार्ज होगी, बट अभी बैटरी वाले उसके ऊपर है तो मैं आपको बता दूं कितनी देर में चार्ज होगी। करीबन 3.5 से 4 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी और एक चार्ज के अंदर 150 किलोमीटर चलेगी। तीन मोड है इसमें, 100 किलोमीटर चलेगी सिटी मोड में, 120 और सुपर स्पोर्ट्स में 80 से 90 किलोमीटर, डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं, बट दैट इज हाउ इट विल गो। अब अगर ये एक चार्ज में 150 किलोमीटर चलती है तो मैं आप लोगों से, क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग चैंपियन हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ से कि कितना होगा। 100 किलोमीटर्स, फिर भी 100 किलोमीटर्स मान लेते हैं। यहाँ से बरोड़ा अगर जाएंगे तो ट्रेन का क्या, जो अगर ट्रेन की टिकट लेंगे कितने की आती है स्लीपर क्लास में। अरे यहाँ से कोई बरोड़ा ट्रेन में गए नहीं क्या आज तक? 400 रुपया। आपने बोला 400, इनको कोई चैलेंज करने वाला है, कोई बोला 400 नहीं, 100 रुपीज। इस बाइक लेकर जाते हैं तो कितना लीटर, 2 लीटर मान लो, कम मान लेते हैं 2 लीटर मान लेते हैं। बिजली का क्या प्राइस है? 6 से 7 रुपए। तो करीबन चार्ज करने में लगे 18 से 20 रुपए। में आप पहुंच गए बरोड़ा? हाँ, लोकल, अबे लोकल ट्रेन तो वो 400, मतलब यहाँ पे बोलोगे कि 2 आदमी बैठ के जा रहे हैं, 10 रुपए में 1 आदमी। इसलिए मेरे से जितने लोग बोलते हैं कि जी इलेक्ट्रिक कब आएगा, जब आपको मालूम है कि आपके इतने पैसे बच रहे हैं तो आप फिर कोई ड्यूरेबल चार्जिंग करते हैं। तीसरा कुछ लोग बोलते हैं, हमको पेट्रोल पंप कहीं भी मिल जाता है, पेट्रोल पंप कहीं भी, हमारा पेट्रोल खत्म हो, हम पेट्रोल कहीं, ये एंजाइटी हम कैसे दूर करेंगे? क्योंकि बैटरी पोर्टेबल है, हमने कहा ये इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, हम जगह जगह स्वैपिंग स्टेशन बनाएंगे और आप वहां पे जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप बैटरी दी, 2 मिनट में आपने चार्ज बैटरी ली एंड खत्म। ये देखिए, ये इंडस्ट्री जो है ऑटोमोटिव की, सर वी विल डू दैट Q&A, या आपने 2-3 बार आज बैटरी मैं आ रहा हूं सर, मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है बहुत ही तक। आप ऑटोमोटिव जो भी लेते हैं टू व्हीलर, वो टू व्हीलर इज लाइक हाउ डू वी कंपेयर। मेरे को आज किसी ने दिन में भी क्वेश्चन पूछा कि जी आप मोबाइल से मोबिलिटी की तरफ कैसे आए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री भी जैसे मोबाइल की इंडस्ट्री फीचर फोन से स्मार्टफोन में चेंज हुई, एग्जैक्टली सेम ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है और बहुत ही जल्दी, जैसे रातों रात स्मार्टफोन का मार्केट हो गया फीचर फोन से, उसी तरीके से ये इंडस्ट्री रातों रात चेंज होगी। वो कैसे? क्योंकि अभी तक जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, अगर मैं एनालॉजी दूं तो अभी तक के जो ऑटोमोबाइल जो पेट्रोल के हैं, दे आर लाइक फीचर फोन्स, वो आपको एक बार उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद उनकी आपकी रिलेशनशिप खत्म। दिस इज अ स्मार्ट बाइक,
दिस इज अ 4G बाइक, इसमें सिम कार्ड लगा हुआ है। ये बाइक जो है इसके अंदर GPS है, इसके अंदर सारी तरीके की वो कनेक्टिविटी है जो आपके मोबाइल फोन में है, राइट। तो इसके अंदर हम इतने तरीके के काम कर सकते हैं, इतने तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं जो कि अनगिनत है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जो स्लाइड है, इस स्लाइड का नाम मैंने रखा है 10 मिनट। 10 मिनट क्यों? क्योंकि अगर आप कॉलेज में गए हो, हॉस्टल में पढ़े हो, भाई बाइक दियो 10 मिनट में आता हूं, वो 10 मिनट में कभी नहीं आता, वो शाम को आता है। होता है सबके साथ, नहीं होता है भाई बाइक देना है जरा। तो ये उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए ये फीचर है जिसके अंदर हम इस बाइक को जियो फेंस कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। जियो फेंस का मतलब ये है, आपने बाइक ली, आप अपने मोबाइल से ही इस बाइक के अंदर जियो फेंसिंग कर देंगे, 5 किलोमीटर की आपने कर दी, या आपने बोला कि ये बाइक जो है वो इस एरिया से 5 किलोमीटर दूर नहीं जानी चाहिए, या 3 किलोमीटर दूर नहीं जानी चाहिए, या 1 किलोमीटर दूर नहीं जानी चाहिए। ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं आपके, जो पेरेंट्स हैं कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बाइक लेते हैं और कहीं भी चले जाते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं उनको बड़ी चिंता होती है कहाँ गया, कब आएगा, तो वो उसके अंदर ये जियो फेंसिंग का फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो बच्चा अगर कहीं बाहर गया तो आपको, आप अपने फोन पे देख सकते हैं कि वो कहां पर है, आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि ये जियो फेंसिंग लोकेशन से बाहर गया। आप बाइक को बंद भी कर सकते हैं। अब जितने यहाँ पे, बहुत सॉरी ये हमने ऐसा फीचर बनाया, हमारे जमाने में ये फीचर नहीं था, बट इसके फायदे बहुत है, इसके फायदे बहुत है। सो दैट यू नो यू कैन ट्रैक योर बाइक, बाइक लेफ्ट प्रूफ है, कभी इस बाइक की चोरी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप, आपने बाइक बाहर खड़ी की हुई है और आपने जियो फेंसिंग 0 में कर दिया है तो बाइक जैसे हिलेगी लॉक हो जाएंगे इसके दोनों व्हील, बाइक चोरी नहीं हो सकती है। तो वो जो प्रॉब्लम होती थी ना कि यार यहाँ पे बाइक खड़ी करूंगा चोरी तो नहीं हो जाएगी, कोई ले तो नहीं जाएगा, वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो ये जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से चेंज होती जा रही है, कंप्लीटली स्मार्टफोन जैसा रेवोल्यूशन जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर आएगा। तो नॉर्मल बाइक्स के अंदर एक ही पोजीशन होती है, इसके अंदर उसका हमने काफी ध्यान रखा हुआ है, छोटा आदमी है भाई किसी को अपनी पोजीशन अलग से चेंज कर सकता है। सो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए हमने इस बाइक को डिजाइन किया है। बैटरी पैक जो है इसके अंदर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि आपको इसको जो चलाने की फील है वो फील आपको बिल्कुल सेम अपने जो पेट्रोल का व्हीकल चलाते हैं वैसे ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ और चला रहे हैं, क्योंकि आप यूज टू हैं उस फीलिंग के, इतने सालों से आप चला रहे हैं। तो वो सेम फीलिंग के लिए जो वेट इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जैक्टली यहाँ पे रखा हुआ है। ऑफकोर्स ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जो बाइक जो बनती है वो यूज के लिए नहीं बनती, अब्यूज के लिए बनती है, जिस हालात से हमारी सड़कें गुजर रही हैं उसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस काफी ऊपर रखी है। आप किसी भी सड़क पे जा सकते हैं, ऑल दो आपके अहमदाबाद में तो बहुत बेहतरीन सड़कें हैं, बट बाकी जगह जहाँ पे सड़कों का हाल अच्छा नहीं है वहाँ के लिए दिस विल वर्क वेल। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक है पानी में चलेगी या नहीं चलेगी। कितने लोग हैं जब बारिश हो जाती है पानी के अंदर में, उसके बाद में अपना वो स्कूटर या बाइक लेके स्पार्क प्लग निकाल के उसको क्लीन करते हो, हमने भी किया अपने जमाने में। सो रेन से कोई डरने की जरूरत नहीं, बल्कि ये रेन के ये दोस्त है। ऑफ कोर्स डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सारी बाइक की डायग्नोस्टिक आपको इस पे दिखती रहेगी, क्या टेम्परेचर बाहर है, क्या टेम्परेचर बाइक के अंदर है, सब चीज सारी की सारी, बैटरी कितनी बची है, कितनी बैटरी नहीं बची है, सब आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिख जाएगा। स्मार्ट की है, तो नॉर्मली बाइक के अंदर जो है वो स्मार्ट की नहीं होती है, वो नॉर्मल वाली की होती है। स्मार्ट कीज जो होती है वो बड़ी बड़ी ऑडी, BMW, मर्सिडीज, उन सब के अंदर वो रिमोट कंट्रोल वाली की आती है,
विथ दिस बाइक यू विल गेट दैट की, दैट रिमोट कंट्रोल की. सो आपने कोई चाबी लगा के स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास रिमोट है, आप स्टार्ट कर सकते हैं. कैन आई हैव द की प्लीज? मैं सामने बैठा मिलूंगा. स्टार्ट. Please switch it off. Switch it off with the power. Okay. This is start now. You see, आपका remote से start हुआ. Fantastic. अब remote से start होने के बाद, अच्छा, this is off now. Start करो. Super. अब यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे biker लोग आए, हमारे दोस्त लोग, जिन्होंने जो बहुत बार आवाज करते रहते करके, वो biker gang कहाँ भाई? आप का दिनों देखा, great sound, amazing sound. बट इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं उनमें कोई साउंड नहीं होती है इलेक्ट्रिक के अंदर. सब लोग बोलते हैं कि यार इलेक्ट्रिक में कोई साउंड नहीं है, बट हम लोग बाइक खरीदते हैं, हमें साउंड चाहिए. साउंड इज एन इंटीग्रल पार्ट, इट इज एन इमोशन. गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? साउंड इज एन इमोशन और नॉट? बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बाइक लेते हैं, उसके बाद मार्केट में जाते हैं, उसका एग्जॉस्ट कटवाते हैं और उसकी अलग अलग साउंड आती है. आप में से किसी ने किया ऐसा? किसी ने नहीं किया, सब अच्छे बच्चे. ग्रेट. तो जब साउंड इतना इंटीग्रल पार्ट है, तो हमने कहा साउंड का फीचर क्यों नहीं होना चाहिए. सो वी पुट साउंड फीचर इन दिस बाइक. सो इफ यू सी दैट दिस, सो दिस इज फॉर ऑल द बाइकर गैंग. यू कैन हैव योर साउंड एंड यू कैन फ्रंट इट ऑल्सो. सो आप लोगों के पास एक ही साउंड है, बट हमने कहा जब हमने साउंड बना दिया तो साउंड मल्टीपल क्यों नहीं हो, और जैसे मैंने बताया साउंड मिलेगी. आप साउंड अपने फोन से इसकी साउंड चेंज कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में जिस पे हम काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आप कोई भी साउंड डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड एनी साउंड. वी विल ओपन द इकोसिस्टम टू ऑल द डेवलपर्स. आप कोई भी साउंड इसमें अंदर डाउनलोड कर सकते हैं. इन ट्रू सेंस में जो आपको बता रहा था कि जैसे मार्केट फीचर फोन से स्मार्टफोन में शिफ्ट हुई, एलईडी टेल लैंप, हेडलैंप एंड टेल लैंप, सेफ्टी बनाते हुए, जैसे अगर इस बाइक का ये स्टैंड लगा हुआ है, हम कितनी बार देखते हैं किसी बाइक वाले का जो चल रही होती है उसका स्टैंड लगा होता है, फिर हम कार से शीशा नीचे करते हैं, बोलते हैं भाई साहब स्टैंड ऊपर कर लीजिए बिकॉज इट इज डेंजरस. इस बाइक का अगर स्टैंड लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी. तो ये छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान रखा है इस बाइक को डिजाइन करते. ऑफ कोर्स यू नो इट कम्स विद इंटीग्रेटेड यूएसबी चार्जर. यहाँ पे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं. इजी स्टोरेज, यहाँ पे आपकी स्टोरेज मिलेगी आपको, और एक्सेसरीज, हुक्स, आप कुछ भी एक्सेसरीज इसके ऊपर लगा सकते हैं. जैसा इकोनॉमी, नॉर्मल और सुपर स्पोर्ट्स. कैलकुलेशन, गुवाहाटी में आता हूं, अहमदाबाद. कैलकुलेशन, तो जब आप का जो एक्सपीरियंस, पहले का जो लोगों का एक्सपीरियंस होता था इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होता था कि अच्छा आपने बाइक की क्या कॉस्ट है, कॉस्ट के बाद आप लोग कैलकुलेट करते थे कि अच्छा बैटरी की कॉस्ट क्या है, बैटरी मेरे को चेंज करानी होगी, बैटरी क्या वारंटी है बैटरी की. नॉर्मली लेड एसिड बैटरी एक साल में खराब हो जाती है, उसकी बैटरी की क्या कॉस्ट होगी. तो वो सब कैलकुलेशन दिमाग में चलती है. हमने कहा ये सब कैलकुलेशन जो है ये सब आपके दिमाग से बाहर निकालने हैं. एक साल की लोग बैटरी की कवरेज देते हैं, हमने कहा हम दो साल की कवरेज देंगे, डबल मार्केट में. ये देखो इतनी कम तालियों के बाद, जितनी ताली बताते जाओगे उतने साल बढ़ते जाएंगे भाई. बस अब मत कुछ करना. जितनी ताली बजे यहाँ पे वो चार साल तक ही बहुत थी. एनीवेज, बट ये दिमाग में क्वेश्चन जाता है कि बैटरी की क्या प्राइस रहेगी, तीन साल के बाद बदलवानी पड़ेगी, एक साल के बाद बदलवानी पड़ेगी, उसकी क्या 30,000 कॉस्ट है, 40,000 कॉस्ट है. फिर आदमी होता है अच्छा मैं पेट्रोल कितना डलाऊंगा एक साल में, दो साल में, उसके क्या कॉस्ट रहेगी. सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो, हमने कहा बैटरी की जो कॉस्ट है वो आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है. हमने जो बैटरी की जो लाइफ रखी है, जो वारंटी रखी है बैटरी की,
बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तो हम ध्यान रख लेंगे। अनलिमिटेड मतलब 8 ईयर्स और 1,50,000 किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चलाने आसान काम नहीं है। तब तक के लिए यू आर कवर्ड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। दोस्तों थोड़ी जोर से ताली बजाओगे तो मैं और बढ़िया मुझे बता दूंगा। ऑलराइट, कूल। यहाँ से लोग बड़ौदा ज्यादा जा रहे हैं बाइक के ऊपर, तो बीच में हम एक बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच में एक स्टेशन लगा रहे हैं। अब बहुत हो गया, प्राइस बताता हूँ, बुकिंग करिए, बाइक लीजिए, खत्म कीजिए। सो वी हैव टू प्रोडक्ट्स लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज RV 400 एंड दैट इज RV 300। RV 400 इज अ फास्टर बाइक और RV 300 जो उसका है वो यंगर भाई है, छोटा है। इसकी टॉप स्पीड इज अराउंड 85, यू कैन टेक इट अप टू you know more than 85 also, but 85 is a top speed. There you will have a top speed of around 65, you can take it up to 70 kilometers. That will have a different range from 80 to 150 kilometers. अब क्योंकि बात अनलिमिटेड चल चुकी है, बैटरी अनलिमिटेड है, 8 साल तक सोचना ही नहीं है बैटरी का, तो हमें अब सब चीज़ अनलिमिटेड करनी है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमें बड़ा बोरिंग लगता है, हमें नॉर्मल काम नहीं करना है, हमें काम करना है डिफरेंट। तो जब सब बैटरी अनलिमिटेड है तो सर्विस जो है वो अनलिमिटेड क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी आप सर्विस कैसे करते हैं कि हर दूसरे महीने या तीसरे महीने सर्विस पे जाते हैं और 500 रुपये 700 रुपये जो भी लगते हैं सर्विस के, आपका एक्सपेंड आता है सर्विस का। एक तो उसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो आपको जाना पड़ता है वो इनकन्वीनियंस है, और दूसरा ऑफकोर्स जो पैसा लगता है वो तो है ही है। 5 साल 75,000 किलोमीटर के लिए प्रोडक्ट वारंटी फर्स्ट इन सेगमेंट। स्ट्रेटेजिक टायर सर्विस स्टेशन के लिए गो मैकेनिक, बहुत सारे सर्विस स्टेशन आपको मिलेंगे और हमारे भी सर्विस स्टेशन होंगे, दिस इज नॉट द ओनली सर्विस स्टेशन। ऑलराइट, चलो होल्ड ऑन। वन मोर, जब ये बाइक लेंगे इसके अंदर 3 साल के लिए आपको कोई भी सर्विस नहीं करानी है, सारी सर्विस हमारे ऊपर है। अब जब सर्विस होती है उसमें बड़ा कैच होता है, क्या अदर कॉस्ट होगी, दूसरी कॉस्ट होगी, कंज्यूमेबल की कॉस्ट होगी, कंज्यूमेबल की भी कोई कॉस्ट नहीं है, वो कंज्यूमेबल की कॉस्ट भी हम देंगे, कंपनी देगी आपको, कोई कंज्यूम। इसका मतलब जो भी ब्रेक पैड है आपका वो सब, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रेक पैड भी हम देंगे। उसके बाद आज तक किसी ने नहीं दिया दुनिया में, हम आपको टायर भी फ्री देंगे, वन सेट ऑफ टायर इज ऑल्सो फ्री, 30,000 किलोमीटर तक एक टायर भी आपको फ्री मिलेगा, टायर के लिए इतनी कम तालियां बिल्कुल नहीं मिलेगा। थैंक यू। देखिए आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड है, आपको कुछ नहीं करना है, 3 साल के लिए सब कुछ इज टेकन केयर ऑफ है। ये सब समरी है बिफोर हम लोग प्राइसिंग के ऊपर जाएं, लेट्स मूव ऑन टू द प्राइसिंग। ये MRP क्या है प्रोडक्ट का, व्हाट इज MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप अपनी जो बाइक है वो कैसे खरीदते हैं, नॉर्मल जो बाइक है वो कैसे खरीदते हैं, आपका एक शोरूम प्राइस होता है, मैं मान के बीच का प्राइस पकड़ लिया है, आप इंश्योरेंस देते हैं, आप उसके RTO चार्जेस भरते हैं, एक फाइनेंस कॉस्ट आती है अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं, उसके बाद आप हर महीने उसमें पेट्रोल डलवाते हैं। अब पेट्रोल हमने लिया है करीबन 100 रुपये दिन का, तो महीने का 3,000 रुपये हो जाता है, जो लाइट यूज़र है उसका 2,000 रुपये लगता है, जो हैवी यूज़र है उसका 4,000 रुपये लगता है, हमने एक मीडियम 3,000 रुपये का पकड़ लिया है। तो 3 साल, मैं 5 साल की कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना दूर नहीं, 3 साल की सोचिए बस, 5 साल तक की कैलकुलेशन में नहीं जाते। 3 साल में आपका 1,08,000 रुपये लग गया पेट्रोल का खर्चा, सर्विस जो है वो मान के चलते हैं साल में 5,000 रुपये लगते हैं आपके, तो 3 साल में 15,000 रुपये लगे,
टोटल जो आपकी कॉस्ट आई 3 साल की 2,54,000 रुपए। अब गिव एंड टेक है, आप अपनी कैलकुलेशन अपने आप लगा सकते हैं। कोई आदमी बोलेगा आप बाइक की कॉस्ट कम कर दीजिए, 90,000 से 70,000 कर दीजिए, पेट्रोल का खर्चा 3,000 से लेके 2,000 कर दीजिए, 1,500 कर दीजिए, तो ये कॉस्ट 2,54 की बजाय 2,25 हो जाएगी, 2,10 हो जाएगी, कुछ भी कॉस्ट हो जाएगी, अभी पेंडिंग है। सो इसके हिसाब से आप 7,075 रुपये पर मंथ बाइक पेट्रोल सर्विस सारी कॉस्ट ये आपकी लगती ही लगती है हर महीने। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हम रिवोल्ट को अफोर्डेबल कैसे बनाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बना लिया है, प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बना लिया, बट उस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या जो हम इतनी महंगी बना दे कि वो हमारे घर में खड़ी रह जाए, किसी के काम ही ना आए। और हम वैसे भी जाने जाते हैं मासिफिकेशन के लिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, कि टेक्नोलॉजी सबके लिए होनी चाहिए। तो कॉलेज जो कॉलेज गोइंग किड भी है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है, इसके लिए मैं भी खुद सारे कॉलेजेस में गया, हॉस्टल के अंदर गया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था हॉस्टल आज की तारीख में 10,000 से 15,000 रुपये मिलते हैं बच्चों को महीने के खर्चे के लिए। तो आइडिया ये था कि वो बच्चा भी कैसे अप्रूव, प्राइस आपको बताते हैं अभी। दोबारा पीछे सुबह एक आदमी ने ताली नहीं बजाई यहां पे। इंश्योरेंस वी विल टेक केयर, डाउन पेमेंट कोई डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, नो डाउन पेमेंट जीरो। रजिस्ट्रेशन डिपेंड करता है जहां जहां पे ईवी की पॉलिसी है, जिन स्टेट में ईवी पॉलिसी आ गई वहां पे जीरो है, जहां पे नहीं आए वहां एक्चुअल्स पे है। सर्विस नो कॉस्ट वी विल टेक है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक पैड भी हम देंगे, एक सेट टायर भी हम देंगे आपको, बैटरी मैं आपको बता ही चुका हूँ अनलिमिटेड वारंटी 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर, बैटरी स्विच आप जब स्विच पे जाएंगे इनिशियली सो शुरू के जो कुछ महीने होंगे वो हम आपके लिए फ्री रखेंगे। बाइक में सिम कार्ड लगा हुआ है, 4G कनेक्टिविटी है 24 घंटे वो भी अनलिमिटेड है आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द कॉस्ट, MRP, हमारे लिए MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, हमारे लिए MRP का मतलब है माय रिवॉल्ट प्लान। RV 300 मात्र सिर्फ 2,999 रुपए पर मंथ 37 महीने के लिए आपको देने हैं, और RV 400 3,999 रुपए पर मंथ 39 मंथ के लिए। यही कॉस्ट है सिर्फ, आप सिर्फ 3,999 रुपए दीजिए और बाइक आपकी, और कोई खर्चा नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर में ही पेट्रोल पंप लगा हुआ है, आपने बाइक चार्ज की और चले दिया। तो अब आपको करना क्या है, मात्र 3,999 रुपए में www.revoltmotors.com पे जाना है, और जितनी तालियां यहां पे बजाई है उतने ही अपने दोस्तों को बताना है और गाड़ी बुक करनी है। इसमें आप दो काम अच्छे काम करेंगे, एक तो आप इस देश को पोल्यूशन से बचाएंगे, 60 ट्री प्लांट करेंगे, और दूसरा आप जो पैसे की जो सेविंग करेंगे वो आपके घर में काम आएगी। revoltmotors.com bookings are open, you just have to pay $3,999 and we will deliver a bike to you. Now the only problem is
that right now the bike is in so much of demand that there will be some time. अभी तक इसमें जो वेटिंग पीरियड चल रहा था 5 महीने का चल रहा था, जो अभी 3 महीने का वेटिंग पीरियड हो गया, बिकॉज इट इज हाईली इन डिमांड. सो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, जल्दी से जल्दी जाके बुक कीजिए, और जितना जल्दी बुक करेंगे उतना जल्दी आप क्यू में आएंगे और बाइक आपको डिलीवर हो पाएगी. इस सबके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इतना आपने हौसला अफजाई की. थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज एंजॉय द इवनिंग. Hey, quick, come on, everyone, please. A huge round of applause for Rahul, sir. Thank you so much. I like your t-shirt, man. Very good. कौन सा मोड है? मोड चेंज मोड, इको मोड है, इको मोड है, गियर नहीं है ना. www.revoltmotors.in. You guys love the tank. I love the tank personally. Thank you so much. Personally, thank you so much, please. Sir, please come here. Red is great. Personally, Sean का मजा रहेंगे, music का evening का मजा रहेंगे. सबसे requested, please. Run!